अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो भाई बड़ा रश चल रहा है मार्केट के अंदर और बड़ी धूम मची हुई है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगा हो गया है, महंगा हो गया है। तो इसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए ना भाई। तो हल निकाल लिया है भाइयों ने हमारे, आपको हम आज दिखाते हैं भाई लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक, ई बाइक्स, जी हाँ ई बाइक्स दिखाते हैं जो है चार्ज होकर चलती है। तो चलते हैं भाई इनके शोरूम वाले भाई से इंटरव्यू लेते हैं और इनकी गाड़ियाँ शेयर करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ भाई, ये स्कूटी है जो के बहुत ज़बरदस्त स्कूटी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें बड़ी वाली भी है और ये छोटी वाली भी है। और ये सारी जो है ना, इस तरह की गाड़ियाँ जो है सारी बाहर थाईलैंड में यूज़ होती हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये बाहर से इंपोर्ट किए भाई ने, ये यहीं की मैन्युफैक्चरिंग है क्या है, क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में तो बहुत यूज़ होती हैं, अब पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह यूज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो चलते हैं भाई, भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये क्या चीज़ है ज़रा आप मुझे बताएं कि ये स्कूटियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है या फ्यूल से चलती है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं और ठीक है, ये यादिया कंपनी बनाती है। यादिया कंपनी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटी सप्लाई करती है। जबरदस्त, मेट्रो ने उनके साथ मिल के इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, हमारे चार वेरियंट्स हैं। सबसे प्रो वेरियंट है हमारा E8S Pro, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरिएंट आ जाता है T9, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट वेरिएंट आ जाता है ये M6, ठीक है। देन हमारा वेरिएंट आ जाता है LY। अब ये चार वेरिएंट हैं। अब ये वेरिएंट चार इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हर तरह की नीड्स और कस्टमर की नीड्स को और उनकी जिन जिन की जो जो नीड्स और वॉन्ट्स हैं उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किए गए हैं। अब जैसे कि हम बात करें अपनी E8S Pro की, तो ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है यंग जनरेशन के लिए, जिनको स्पीड भी ज़्यादा चाहिए और जिनको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा अच्छा, चाहिए। अच्छा ज़बरदस्त, तो भाई ये रेस वाली गाड़ी है, क्या चक्कर है भाई? इसकी स्पीड इस वक्त 70 किलोमीटर/घंटे की स्पीड है। ओहो ज़बरदस्त। इसके अंदर जो हमने मोटर यूज़ करी हुई है वो 2000 वॉट की मोटर यूज़ करी हुई है और 38 एम्पीयर की इसके अंदर 6 बैटरियाँ यूज़ हो रही हैं जो आपको 125 किलोमीटर का बैटरी बैकअप देती है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। तो पेट्रोल तो अब काफ़ी महंगा हो गया भाई, हर किसी की कौन से भाई। फ्यूल सेविंग की अगर इसमें बात करें और हमारी कितनी कॉस्ट सेविंग होती है, तो हमारी जो बैटरी की हम फुल परफॉर्मेंस लाइफ बताते हैं, वो बताते हैं 1000 चार्जिंग साइकिल। एक दफ़ा चार्ज होने में 125 किलोमीटर चलती है, तो मतलब 1000 दफ़ा आप इसको जब चार्ज करेंगे तो 125,000 किलोमीटर तक आप इसकी फुल परफॉर्मेंस ले। जबरदस्त हो गया, मतलब अब फ्यूल से जान छुट गई ना भाई। फ्यूल से बिल्कुल जान छुट गई। ठीक है भाई, और ये मुझे बताएं कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है और ये इसको कितना टाइम चार्ज करना पड़ता है और कितना रनिंग चलती है भाई? इसकी जो कॉस्ट है वो है 3,60,000, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग है वो बेसिकली 4 से 5 घंटे इसकी चार्जिंग टाइम है। इस वाले की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस वाले वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 से 5 घंटे इसकी बैटरी चार्जिंग टाइमिंग है, अगर आपका जो वॉट है बिजली का वो पूरा आ रहा हो। ये 220 पे चार्ज हो जाएगी? 220 पे भी हो जाएगी, सोलर पे भी हो जाएगी। जबरदस्त हो गया भाई, आप तो लोग जो है बिजली से जो है जान छुड़ा के सोलर सिस्टम पे आ रहे हैं, तो उससे भी ये चार्ज हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया भाई। अच्छा ये वाला क्या वेरिएंट है, आप मुझे बताएं? ये M6 वेरिएंट है, ठीक है। इसकी टॉप स्पीड 55 है और ये आपको एक दफा चार्ज होने पे फुल चार्ज पे 90 किलोमीटर का बैकअप देती है। ठीक हो गया भाई, इसकी क्या बताई स्पीड आपने? इसकी 50 to 55 स्पीड। और इसकी स्पीड क्या बताई? 70। अच्छा इसकी जरा परफॉर्मेंस आप मुझे बताएंगे? इसकी परफॉर्मेंस बेसिकली इसके अंदर हमने जो बैटरी यूज करी हुई है वो 1200 वॉट की बैटरी है और इसके अंदर 26 एम्पीयर की 6 बैटरियां यूज हुई। जबरदस्त हो गया भाई। और इसके अंदर जो क्या कहते हैं आप, ये बिजली का जो आपका यूनिट है वो 2 यूनिट कंज्यूम करती है, जो हमारा E8S Pro मॉडल था वो 3 यूनिट कंज्यूम करता है। ये वाला कह रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। ये तीन यूनिट कंज्यूम करता है, 125 किलोमीटर चलता है, ये आपके 2 यूनिट कंज्यूम करता है, 90 किलोमीटर चलती है, इसकी टॉप स्पीड 55 है। ठीक है, हमारा तीसरा वेरिएंट आ जाता है T9, ठीक है। T9 बेसिकली जो चार्जिंग पे आपके यूनिट कंज्यूम करती है वो 2.5 यूनिट कंज्यूम करती है, ठीक है। और इसकी टॉप स्पीड 45 है और ये 105 किलोमीटर का आपको बैटरी बैकअप देती है। ठीक है, जबरदस्त हो गया भाई। और ये वाला वेरिएंट क्या है इसका? ये सेम कलर है। अच्छा, दो कलर है, ठीक है। T9 में 2 कलर आ जाते हैं, रेड आता है और सिल्वर आता है। M6 में हमारे 3 कलर आ जाते हैं, रेड आता है, व्हाइट आता है और इसके अंदर मैट ग्रे कलर आता है। जबरदस्त हो गया भाई। और हमारे E8S Pro के अंदर भी 3 कलर आ जाते हैं, व्हाइट कलर आता है, सिल्वर कलर आता है और एक ब्लू कलर आ जाता है। अच्छा भाई, अभी लेडीज के लिए कौन सी आपकी नजर में बेस्ट है जो यूज करना चाहती है? जो आ जाती है लेडीज हो या थोड़े एज वाइज जो आ जाते हैं मैन, उनके लिए हम ये रेकमेंड करते हैं T9। ठीक है, इसका रीजन ये है कि इसकी जो एक स्पीड है वो एक लिमिटेड स्पीड है 45, इतनी ज्यादा कम भी नहीं है और इतनी ज्यादा भी नहीं है।
तो लेडीज को हम ज्यादा प्रेफर ये करते हैं, और फिर ये बैकअप अच्छा देती है, 105 किलोमीटर का बैकअप देती है, लेडीज को कोई परेशानी नहीं होगी। और जो अगर हम कहते हैं, अगर उस पर आप आ जाते हैं, यंग जनरेशन पे आ जाते हैं जिनकी थोड़ी जिनकी रेंज कम है और उनको लेकिन स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम उनको M6 मॉडल प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये माइलेज थोड़ा कम देती है, इसमें बैटरी थोड़ी छोटी यूज हुई है। ठीक है भाई, अब आपसे प्राइस रेंज की बात कर ली जाए, तो प्राइस रेंज आप मुझे बता दें इसकी क्या है? अच्छा, सबसे पहले आप मुझे इसका बताएं भाई, एक ये बड़ा अच्छा सा खिलौना लग रहा है मुझे, ये क्या चीज है? इसको हमने अपना सुपर स्कूटर का नाम दिया है। ओहो, जबरदस्त। बेसिकली आपका 1 यूनिट कंज्यूम करती है फुल चार्ज पे और 80 किलोमीटर चलती। अच्छा, ये भी 220 पे चार्ज हो जाती है? ये भी 220 पे 80 किलोमीटर ये भी चलती है, 1 यूनिट कंज्यूम करती है। इसके अंदर जो मोटर है वो 400 वॉट की मोटर लगाई हुई है हमने, और 23 एम्पियर की इसके अंदर, ये साउंडलेस बाइक्स हैं। अच्छा, सारी साउंडलेस, इसके अंदर कुछ साउंड नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी बाइक, आपने सिर्फ चाबी लगानी है, देन रेस दे देनी है। जबरदस्त, इसमें कोई गियर वेयर, ये किसके लिए? बच्चों के लिए, सीखने के लिए? सिंगल पर्सन यूज है। आप इसके अंदर आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूँ। और मोस्टली हमने ये टीनएजर्स को केटर किया है, जिनको कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो दो भाई जा रहे हैं तो इस बाइक पे इजीली वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये इसकी परफॉर्मेंस आपने बताई मुझे कि कितना पर आवर देगी? बिल्कुल, ये 80 किलोमीटर चलती है फुल चार्ज पे, और चार्जिंग टाइम हमारी सारी बाइक्स का 4-5 आर ही है, अगर आपका कंप्लीट वॉट आ रहा है 220। अच्छा, अब आप मुझे प्राइस बता दें कि क्या क्या प्राइस है? बिल्कुल, ये बाइक की प्राइस है 1,55,000 है। ठीक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वेरिएंट है M6, उसकी प्राइस है 2,20,000। ठीक हो गया। देन हमारा वेरिएंट है T9, उसकी प्राइस है 2,60,000। देन हमारा वेरिएंट आ जाता है EA Test Pro, उसकी प्राइस है 3,60,000। ठीक है। अच्छा, अब हमारे व्यूवर्स को कुछ डिस्काउंट मिलेगा अगर वो हमारे तवसुस से आते हैं तो? भाई, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेट्रो के जितने भी आउटलेट्स हैं, आप कहीं से भी रेट कंफर्म करेंगे, इसके अंदर ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, फिक्स प्राइस है। अगर आपके चैनल के थ्रू कोई भी आएगा, उसको हम फेवर ये देंगे, उनको आप इसके बाइक के साथ हेलमेट भी देंगे, हम साथ में पार्किंग कवर भी देंगे, और भी जो कुछ हमसे हो सका हम इंशाल्लाह जरूर फेवर देंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ इनकी शॉप का एड्रेस शेयर करता चलूँ। इनकी शॉप का नाम है नवाब ऑटोज, मेन रीगल चौक पे जब आप आएंगे तो अकबर मार्केट के नाम से ये बाइक मार्केट है पूरी, इसके अंदर जैसे इंटर होंगे तो इनकी शॉप है सेकंड कट के ऊपर। ठीक है, मस्जिद से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो इनकी शॉप है सेकंड कट के ऊपर, नवाब ऑटोज इनकी शॉप का नाम है, और ज़रूर विज़िट करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी ये वीडियो देख के इस बाइक के पास ज़रूर आएंगे और पेट्रोल से अपनी जान छुड़ाएंगे, और इलेक्ट्रिक बाइक आप ज़रूर यूज़ करेंगे। तो भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में, जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।